Good morning, class 9 children. We are reading chemistry and we are reading the chapter Is Matter Around Us Pure? We have thoroughly discussed what is a pure substance and if the substance is not pure, it is impure. What do you mean by impure? मैंने आपको बताया था जो है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अगर उसके अलावे कोई दूसरी चीज नहीं है इट इज इम्प्योर. तो सवाल है मिक्सचर कहते किसको है. मैं आपके सामने एक सब्सटेंस बताता हूं आप तुरंत बोलेंगे ये क्या है. ये हमारे हाथ में क्या है तो नमक है. ये क्या है नमक है. नमक आपने देखा है हमने इसको इसमें डाला नमक है. नमक क्या है एक प्योर सब्सटेंस है NaCl क्योंकि इसका फॉर्मूला देख सकते अगर अब इसको इसमें हम क्या ये क्या है तो बहुत क्लियरली बताएंगे. ये चावल है दिखाई दिया ये चावल है हमारी मैडम ने दिया है तो मैंने कहा कि थोड़ा चावल डालिए इसको चावल मिला दिया. अब आप इसको क्या बोलेंगे चावल और नमक मिला दिया इसको आप क्या बोलेंगे. बोलेंगे मिक्सचर हो गया. किसका मिक्सचर हो गया चावल और नमक का. ठीक है तो मैं क्या बताना चाहता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्सटेंसेस. अगर इसमें हम तीसरा सब्सटेंस मिला दिया मान लीजिए ये क्या है दाल भी इसमें मिला दिया तो ये तीन सब्सटेंस मिला दिया. ये तीन सब्सटेंस मिला दिया ये तीनों मिल गया तो क्या हो गया कम से कम मिक्सचर के लिए टू सब्सटेंस होना चाहिए एंड इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस एंड व्हाट मे बी द सब्सटेंसेस. अब थोड़ा डिटेल समझने का प्रयास कीजिए. इन क्लास 9 इट मे बी टू और मोर एलिमेंट्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. It may be mixture of two or more compounds. It may be mixture of two or more substances as I have shown it. Or it may be combination of all of them. But it is a mixture. What is the another criteria? You see, मैंने नमक लिया इसका कोई fixed नहीं है डाल दिया. चावल लिया डाल दिया दाल लिया डाल दिया अगर और भी चीज डाले मिर्चा डालना है डाल दिया ये भी डाल दिया डाल दिया डाल दिया. पर क्या नहीं है फिक्स्ड प्रोपोर्शंस नहीं है. तो क्या हमने लिखा इट हैज नो फिक्स्ड रेशियो. और दूसरी बात क्या है अगर हम चाहें आप बोलिए इसे दाल निकालिए मैंने दाल निकाल दिया ये मैंने आपको दाल निकाल दिया चावल निकालिए चावल निकाल दिया बहुत इजीली क्यों निकाल दिया क्योंकि इनके बीच में केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है बॉन्डिंग नहीं है. इसी में ये देखिए एक चीनी है या नमक है. नमक क्या है कल मैंने पढ़ाया था नमक क्या है NaCl. तो ये एक कंपाउंड है इसको आसानी से आप बोलेंगे सर नमक हटा दीजिए क्लोरीन हटा दीजिए मैं नहीं हटा हटा सकते हैं बट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज देयर एनर्जी इन्वॉल्वमेंट इज देयर इलेक्ट्रोलाइसिस से हटा सकते हैं पर साधारण तरह से हटा नहीं सकते हैं. तो जब साधारण नो केमिकल इन्वॉल्वमेंट नो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट कंस्टिट्यूएंट्स हैव नॉट लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज. अब अगर हम इसको टेस्ट करेंगे दाल में दाल का ही टेस्ट आएगा नमक में नमक का ही टेस्ट आएगा चावल में चावल का ही टेस्ट आएगा. नन हैज लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है एक दूसरा भी एग्जांपल इन्होंने दिया है देखिए ये मैडम ने ये क्या है आपको मालूम है दालचीनी है ये क्या है ये क्या है आप पहचानते हैं. इसमें उसी प्रकार से ये क्या है इलायची है.
तो लौंग है या इलायची है या दालचीनी है या जो कुछ भी है इसमें डाल दिया तो क्या इस किसी ने अपना प्रॉपर्टी लॉस किया है? नहीं किया है। आप दाल मोट खाते हैं, झाल मुरी खाते हैं, आप क्या देखते हैं? पहली बात है उसमें प्रोपोर्शन कई एक चीज़ें हैं, पर जब मिर्ची जाती है तो मिर्ची का भी तीखा लगता है, नमक का भी तीखा लगता है, तेल का भी स्वाद आता है, दाल मोट का भी आता है, सेवई का भी आता है, जो चीज़ रहता है भुंजा का भी आता है, जो भी चीज़ आता है। मीन्स क्या मतलब है मिक्सचर में जो सबसे बड़ी बात है, व्हाट इज द डेफिनेशन पार्ट देन? जब इतना बात हमने सीखा, नो नीड टू रिमेंबर एनी डेफिनेशन, आई नेवर फॉलो एनी डेफिनेशन फ्रॉम एनी बुक, सिंपली आई राइट द कैरेक्टर्स एंड गिव इट माई ऑन डेफिनेशन। यू सी नाउ व्हाट यू कैन से, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विदाउट फिक्स्ड रेशियो, विदाउट केमिकल इन्वॉल्वमेंट, इन विच कंस्टिट्यूएंट्स हैव नॉट लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज एंड कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मींस, दैट इज द मिक्सचर। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज अ मिक्सचर। Now, type of mixtures, there may be two types of mixture. One is homogeneous mixture, another is heterogeneous mixture. I am going to describe it.